डीसी साहब एचपीसी स्टेडियम के पीछे खुले शराब के ठेके पर शराबी देर रात तक हुड़दंग मचाते हैं। शराबियों के हुड़दंग से एचपीसी क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को काफी परेशानी होती है। शराबियों के हुड़दंग से परेशान एकेडमी खिलाड़ियों ने एचपीसी प्रवक्ता के साथ डीसी कांगड़ा को शिकायत सौंपकर उचित कार्रवाई करते हुए ठेके को अनियंत्र शिफ्ट करने की मांग की है। एचपीसी प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि एचपीसी क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों सहित साईं गर्ल हॉस्टल की खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संजय शर्मा ने कहा कि कई बार तो एचपीसी के पीछे की ओर से खुले ठेके के साथ लगती सड़क पर रात को लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। गाड़ी में लोग शराब का सेवन करने के उपरांत गाड़ियों में ऊंची ध्वनि से संगीत बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जिसकी वजह से एचपीसी एकेडमी के खिलाड़ियों को पढ़ाई में दिक्कतें पेश आती हैं। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम और साई हॉस्टल के पास जो है सरकार ने इस सीजन से जो है वो एक शराब की दुकान वहाँ पे खोल दी है। वो वहाँ के स्थानीय नागरिक भी और हमारे बच्चों को भी और साई गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली स्पोर्ट्स गर्ल्स जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूसेंस जो है वो बन गई है। वहाँ पे दिन रात जो है वो शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और किसी भी शरीफ आदमी का, किसी भी बच्चों का वहाँ से आना जाना या निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। रात को देर रात तक जो है वो स्टेडियम के नज़दीक में वो गाने भी चलाते रहते हैं और गाड़ियों के अंदर जो है वो शराब का सेवन होता रहता है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े एक न्यूसेंस का कारण बन गया है। हमने आज ये बच्चे भी आए थे, क्रिकेट एकेडमी की बच्चियाँ हैं, ये हमारे साथ आई हैं। हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि उस दुकान को वहाँ से तुरंत जो है वो बंद किया जाए और ताकि यहाँ हमारे बच्चे भी और अन्य इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे भी और स्थानीय नागरिक भी आराम से वहाँ पे घूम भी सकें और वहाँ का वातावरण जो है वो शांतिप्रिय रहे, कोई ऐसा कोई जो है वो अनटूवर्ड इंसिडेंट वहाँ पे ना हो जिससे कि सारे लोगों को वहाँ से शर्मिंदा होना पड़े। इसके लिए ज्ञापन जो है वो हमने डीसी महोदय को दिया है कि वो इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लें। एचपीसी की महिला कोच पुष्पांजलि ने बताया कि कई बार खिलाड़ी उनसे देर रात तक एचपीसी दाढ़ी रोड से गाने बजाने की आवाजें आने की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, ऐसे में उन्हें दिन में पढ़ाई के लिए रात को ही समय मिलता है, लेकिन रात के समय शराब ठेके में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों का जमघट लगा रहता है, जिनकी वजह से खिलाड़ियों को परेशानी होती है। मैं कोच हूँ एचपीसी की। एक्चुअली क्या होता है, अभी पहले तो इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब से वो शराब की दुकान खुली है तब से हम वहाँ से जाना आना कर नहीं पा रहे, बच्चे अकेले जा नहीं पाते, कहीं कोई बाहर ट्यूशन के लिए आता है कुछ काम से, नहीं बहुत मुश्किल हो गया है। रात को क्या होता है 10 बजे के बाद वो गाड़ी लगा देते हैं, लगा के पूरे गाना वाना शुरू कर देते हैं, इतनी जोरों से गाना चलता है कि हमें इतना डिस्टर्बेंस, हम सो नहीं पाते रात को, क्योंकि बच्चे सवेरे 5 बजे उठते हैं, उनकी प्रैक्टिस वगैरह रहती है, एक तो ये डिस्टर्बेंस है, सेकेंड थिंग कि एक डर सा लगा हुआ रहता है कि वहाँ से अटेंडेंस करके सारे लोग जो जाना ना करते होते, बच्चे अकेले जाना ना करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने डीसी सर को दिया है कि चलो ज्ञापन दिया है कि आगे चल के ये बंद हो जाए तो अच्छा रहे। इन सभी छात्राओं का कहना है कि एकेडमी के बाहर रोज रात को शराबी शराब पीकर हल्ला करते हैं, जिससे इनको पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और देर रात का शराबी अपनी गाड़ी में संगीत लगाकर उन्हें परेशान करते हैं, जिससे ये छात्राएं सो नहीं पाती और सुबह उठने में भी देरी से उठती हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? एचपीसी में प्लेयर हूँ मैं और कॉलेज धर्मशाला कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम लोग एचपीसी में रहते हैं, वहीं पे जब से वो शराब का ठेका खुला है हम लोग को पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है और हम आम सुबह प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो सुबह 5 बजे उठना होता है और सुबह रात तक वहाँ पे 12-12 एक बजे तक जो गाना चला रहता है, आवाज़ें आती रहती हैं लोगों, जिसकी वजह से हम अपना ही अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही सुबह अपनी प्रैक्टिस के लिए जल्दी उठ पाते हैं, तो हमें पूरा दिन भर इतना रहना फोकस करना पड़ता है जो हमारे उन शराब पीने वालों की वजह से हो नहीं पा रहा है ढंग से। तो आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना हम लोग कि वहाँ पे इतनी डिस्टर्बेंस ना हो और वो शराब का ठेका जितनी जल्दी हो सके वहाँ से उठाया जाए। थैंक यू।